SN Live सच सबसे आगे। सात चरणों के मतदान के बाद आज यूपी के सभी सीटों के लिए मतगणना हो रही है। यूपी के इस विधानसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था, इस कारण इस बार के चुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 202 सीटों पर जीतना जरूरी है। इससे पहले 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को अकेले 312 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद पार्टी ने सबसे बड़े प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में सौंपी थी। आइए देखते हैं किस सीट पर कौन उम्मीदवार जीत रहा है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ इस चुनाव में पहली बार विधानसभा के लिए मैदान में उतरे हैं। यूपी में लंबे समय से किसी पार्टी को लगातार दो बार पूर्ण बहुमत से जीत नहीं मिली है और हर अगले चुनाव में मुख्यमंत्री बदलते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सीएम योगी बीजेपी के पहले ऐसे सीएम हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 साल तक का कार्यकाल पूरा किया है। बीजेपी ने पिछला चुनाव बिना किसी सीएम फेस के लड़ा था, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ा गया।